आम आदमी पार्टी पर कृष्णा नगर की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए डराने धमकाने का आरोप लगा है। भाजपा की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी का कहना है कि आप बहुत गंदी राजनीति करने पर उतर आई है। उधर आपके अरविंद केजरीवाल ने भी इशारों ही इशारों में भाजपा पर मतदाताओं को प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। किरण बेदी कृष्णानगर के पोलिंग बूथ पर पहुंची, जहां कुछ स्थानीय लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उन्हें धमकाने का आरोप लगा रहे थे। यहां मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि आपके कार्यकर्ताओं ने उन्हें उनके पक्ष में वोट डालने के लिए धमकाया है। हमारे वोट दो और खाने का सारे सामान फिर और आके यहाँ पे तीन आदमी तीन चार आदमी को और काट भी ले गए यहाँ पे आकर धमकी भी दिए थे। सारे फोटो वहाँ पर 10 बंदे आए हैं, ठीक है। हम तो निकले बाहर, सो जब तक मैं नौका झोंकी सबको हो रही थी और वो मोदी जी वाले फोटो किरण बेदी वाले लगे हुआ था उनको फोटो ले रहे थे, केजरीवाल वाले फोटो लग रहे थे, उस फोटो कुछ नहीं मायने दिया। और हमारे सारे जो पार्टी बीजेपी वाले थे वो सारे फोटो खींच खींच के ले गया। हम सब जैसे दो चार लेडीज बोले हैं, भाई क्यों इस घर को फोटो ले रहा है, क्यों ये चीज टांगा हुआ, इस पर फोटो क्यों ले रहा, सारे लेडीज ऊपर ऊपर पड़ गया, नौका झोंकी करने लगा। फिर बोल रहा है मेरे फोटो क्यों केजरीवाल वाला लग रही है, 10-11 थे वो। झुग्गी झोपड़ियों में बम गिराएंगे, अगर हमारी आप पार्टी को वोट नहीं दिया गया तो हम बम गिराएंगे। और 300 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो पैसा देने की बात कर रहे थे, गुंडे टाइप के वो सारे लोग थे। और यहाँ जो झुग्गी झोपड़ियों के लोग थे वो सहमे हुए थे, डरे हुए थे। तो इस तरह के उन्होंने जो हरकतें की हैं वो बहुत ही घटिया है और हम सब इसकी निंदा करते हैं। ऐसे बहुत हादसे हुए, लेकिन मुझे प्रार्थना करनी है कि अगर मीडिया फेयर है तो ये इंसिडेंट बताए, अगर आपकी मर्जी, क्योंकि आप कई बातें नहीं दे रहे। ये देखिए वो कह रहे हैं कि कल भी आप आए थे मीडिया के लोग, हमारा कोई काउंटर है, सॉरी ऐसा कुछ नहीं, आप जान के उसको काउंटर मत करिए, ये हकीकत है सामने। एक बच्ची बहादुरी से बोल रही है, उसकी माँ या उसकी जो भी है आंटी वो बोल रही है, एक पुरुष भी बोल रहा है, सारा समाज बोल रहा है। ये प्रॉब्लम ये है कि मीडिया सिलेक्टिव रिपोर्टिंग कर रही है इस वक्त। हम सभ्यता के तरीके से सिविल पे से काम कर रहे हैं और असभ्यता आप लोगों से छिपा रहे, ये जगह जगह बोल रहे, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप हकीकत दे ही नहीं रहे। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।